भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 साल बाद अंबेडकर जी की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए किया। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर जी ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर जी ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर आधारित था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अपने वादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को आ लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर जी ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1948 से अंबेडकर जी मधुमेह से पीड़ित थे। अक्टूबर 1954 तक वे बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। 6 दिसंबर 1956 को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने देश पर जो एहसान किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने दलित शोषित वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं वे हमेशा याद रखे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।